नमस्कार मित्रों, शुक्रवार को देवी दुर्गा का वार माना जाता है और शुक्रवार यानी कि भृगुवार। देवी का रूप कोई भी हो, उनकी पूजा की जाए तो हमें प्रतिफल तो जरूर मिलता ही है। और देवी की आराधना और पूजा के लिए वैसे तो बहुत बड़े बड़े विधान हैं, मगर उनमें से छांट करके उनके कुछ मंत्र जो कि अगर हम उनका जप कर लें तो हमें अवश्य ही हमारे कार्य में सफलता प्राप्त हो सकती है और हम अपने कार्य में आने वाली बाधा को दूर कर सकते हैं। यहाँ हर प्रकार के देवी के मंत्र ऐसे मौजूद हैं जिनके बारे में लोग अनभिज्ञ हैं, जिनकी सहायता से बड़े बड़े कार्य सफल हो जाते हैं, हर प्रकार की बाधा दूर हो जाती है। देवी का ऐसा ही एक चमत्कारिक मंत्र है जो कि विशेष रूप से नवरात्रि के दिनों में उस मंत्र को मात्र एक माला करके सिद्ध कर दिया जाता है। तत्पश्चात किसी भी आवश्यक कार्य से निकलने से पूर्व मात्र 7 बार उस मंत्र का उच्चारण कर दिया जाए, आपके कार्य में किसी प्रकार का विघ्न या बाधा उपस्थित नहीं होगा और वह कार्य बिल्कुल सफल होगा, इसमें संदेह नहीं है। मंत्र इस प्रकार है, ओम सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। ये मंत्र बाधा मुक्ति के साथ साथ धन आदि लाभ के लिए भी प्रचलित है और इस मंत्र का मात्र एक बार नवरात्रि के दिनों में माला जपने से एक माला से मंत्र सिद्ध हो जाता है। तत्पश्चात किसी भी आवश्यक कार्य से निकलने से पूर्व मात्र 7 बार अगर इस मंत्र का उच्चारण कर दिया जाए और फिर उस कार्य के लिए प्रस्थान किया जाए तो अवश्य आपके कार्य में किस प्रकार का विघ्न या बाधा उपस्थित नहीं होगा, इसमें संदेह नहीं है। साक्षात शक्ति उस साध्य के साथ चलती है, इसलिए मंत्र बड़ा ही ताकतवर है और अवश्य ही इस मंत्र को सिद्ध किया जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रहे कि साधक के अंदर देवी के लिए अपार श्रद्धा का होना जरूरी है। धन्यवाद।